गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वी स्टार्ट अवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 7 जुलाई का हम हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ी न्यूज़ बता देता हूँ जो न्यूज़पेपर के अंदर है। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती हैं वो आती हैं रिलेटेड टू आपका कि कैबिनेट का मतलब कैबिनेट ने क्या किया है कि कुछ गवर्नर अपॉइंटेड किए हैं इधर उधर। कैबिनेट ने नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपने गवर्नर को अपॉइंटेड किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। उनके नाम जानना इतने ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नाम जानने हैं तो आप डायरेक्टली जाके पढ़ सकते हैं कि हरि प्रभु कहाँ के थे, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ। हमें क्या जानना है कि गवर्नर कैसे अपॉइंटेड किए जाते हैं, क्या क्या बेसिस है, उस बेसिस पर जानना है। दूसरी न्यूज़ GST से रिलेटेड है। पहले देखो GST बढ़ा था, अब थोड़ा फिर घटने लगा, उससे रिलेटेड है कि दोबारा से फॉल ब्लो हो गया कि 1 लाख करोड़ से नीचे GST चला। तो हम सब कुछ GST के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्रंट पेपर से न्यूज़, दो न्यूज़ यही है, आगे चलते हैं। फिर दूसरी न्यूज़ है जो क्राइम रेट अभी दिल्ली की है, पर ऑल ओवर इंडिया जो वुमेंस के क्राइम है वो इंक्रीज़ हुए हैं कहीं ना कहीं, ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से, ड्यू टू जो आपके इन लॉ और हस्बैंड की तरफ से जो मतलब हैरेसमेंट है उसकी वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, क्राइम के बारे में, क्या किस वजह से क्राइम बढ़ते हैं, किस वजह से घटते हैं, तो पूरा जानेंगे वुमेंस के रिलेटेड। दूसरी न्यूज़ है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे इंडिया की फर्स्ट फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटीज़ चलाई गई। कश्मीरी गेट आपने देखा होगा, दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे तो हम फास्टैग पढ़ेंगे, फास्टैग टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाती है। उसके बाद है कि ई वेस्ट डिस्पोजल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ई वेस्ट डिस्पोजल रूल क्या है 2016, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। जो पहली न्यूज़ आती है फ्रेश, आपका स्ट्रेनिंग फेडरलिज्म इज़ अ न्यू पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर। Schedule 7 आप जो पढ़ते हो, Schedule 7 आप पढ़ते हो, उसके अंदर होता है फेडरलिज्म, कि उसके मतलब होता है कि मतलब डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट के बीच में। तो अभी सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पावर को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज बना रही है, सारी पावर अपने पास लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा बहुत जगह देखा गया, तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है। जैसे वैक्सीन वॉर स्टार्ट हुई थी, स्टेट बोल रहे थे कि हमें वैक्सीन सेंटर नहीं प्रोवाइड कर रही है, फिर वो वाली वॉर की वजह से। फिर आपके देखा होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, कंपेंसेशन जो दिया जाता था स्टेट को, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। फिर वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी था, उसमें टशल स्टार्ट हो गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास बुला रही थी, स्टेट गवर्नमेंट भेज नहीं रही थी उस वजह से। लक्षद्वीप का रेगुलेशन जो चेंजेस किए गए हैं, सारी पावर ले ली एडमिनिस्ट्रेशन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उन्होंने सारी पावर ले ली। इवन दिल्ली में ऐसा देखा गया, दिल्ली के भी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसके भी रूल्स चेंज किए गए, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई। उस वजह से मतलब सेंट्रलाइजेशन देखा जा रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों में, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का कि डिवीज़न पावर है। इवन Schedule 7 क्या बोलता है कि हमारा डिवीज़न रहना चाहिए, स्टेट की लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल की लिस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि प्रॉब्लम को हार्म किया गया। इधर फिर एग्जाम्पल लेते हैं 15 फाइनेंशियल कमीशन ने भी कि 1917 सेंसस के हिसाब से पैसे को डिवाइड किया है क्रॉस में, उसे करना चाहिए था 2011 सेंसस आया था उसके हिसाब से डिवीज़न करना चाहिए था पैसे का, तो वो भी चीज़ देखी गई है। फिर उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो अभी जम्मू कश्मीर भेजी गई, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है ना, तो उसमें भी कहीं सेंट्रलाइजेशन देखा गया है। फिर GST में देखा गया, तो कैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फेडरलिज्म को कैसे ब्रेक डाउन कर रही है, चीज़ों में अपने पास सब अधिकार ले लिया। जैसे फार्म लॉ आए थे उससे रिलेटेड भी देखो, जो फार्मर है एग्रीकल्चर वो स्टेट लिस्ट में आता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्म बिल ला के वो एक टशल क्रिएट कर दी स्टेट और सेंट्रल के बीच में। तो वो सारी चीज़ें हम फेडरलिज्म स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या उसके साथ इशू हैं। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखो वेनेजुएला की मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑन द मतलब काराबोबो। ये क्या है कि कुछ स्टेट ऐसी भी हैं अभी जो अभी आपके साउथ अमेरिका में है, या आपका साउथ अमेरिका है जिसमें अभी कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो अभी तक इंडिपेंडेंट के लड़ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिक्स उनकी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी कंट्री से इसका कोई लिंक नहीं है। अगर आपको IR पढ़ना है, IR के अंदर जो उनके पास ऑप्शनल जिनका मतलब कि आपका IR आता है जिसमें PSIR है मतलब पॉलिटिकल साइंस है उसका, तो उनसे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे कैसे चेंज हुआ, US का स्टैंड क्या है, क्योंकि GS वालों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, GS पेपर के लिए ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। इधर सब ये पॉलिटिकल थी, इधर भी ये फिर कल्चर जीनोसाइड जो मतलब कनाडा की आज़ादी से लेके और बाद तक जो कल्चर जीनोसाइड देखा गया चीज़ों में, मतलब कत्लेआम देखा गया कल्चर में, उससे रिलेटेड ये वाली न्यूज़ है। मैंने कवर नहीं किया क्योंकि इसका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया से नहीं है। हम जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं ना उसके इंडिया पे क्या हम पूछेगा, आप 10 साल के पेपर देख लो, 10 ईयर्स पेपर देख लो मेंस के, ठीक है ना, उसमें आप सिनेरियो देखना, वो जो भी पूछेंगे क्वेश्चन उसका कहीं इंडिया से लिंक जरूर होगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है हम लोगों को। हम लोगों को ऐसी स्टडी नहीं, पढ़ते जा रहे हैं और माइंड को मतलब कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है कि ये भी याद रखना है, वो भी याद रखना है। ये
फिर दूसरी आती है मेंटल हेल्थ केयर। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ा है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है लोगों के सामने, तो वो सारी चीज़ बढ़ रही है। कुछ WHO ने गाइडलाइंस भी दी थी, क्योंकि आपने घरों में रह के लोग कैद हो गए हैं तो मेंटल हेल्थ बढ़ रही है। पर इंडिया में अभी तक कोई समझता ही नहीं मेंटल हेल्थ को, कोई समझता ही नहीं, कोई मेंटल हेल्थ साइकेट्री के पास कोई जाता ही नहीं। तो उस चीज़ को हमें थिंक करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा, कैसे जस्टिस को कर पाए, एक रिस्पॉन्सिव केयर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्री मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, होम्स बनाए गए हैं, मतलब क्राउडेड हॉस्पिटल हैं, इन सब चीज़ों की देखा गया है। फिर डिग्निटी एजेंसियों पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेंटल हेल्थ के, कुछ भी हो सकता है। तो रूट कॉज है वो हम पूरा पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो मैंने ये सब नोट्स प्रिपेयर किए, मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूँ, ये देखो ये रहा आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ये आपका ये फेडरलिज्म से है कि फेडरलिज्म इमर्जिंग चैलेंज क्या क्या है इंडिया में, तो सारे हम देखेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। सब मैंने कवर किया जो उसके अंदर है, GST कंपेंसेशन का देखो उसके अंदर मेंशन है, तो सब हमने कवर इसके अंदर किए हैं। फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये वुमेन्स क्राइम से रिलेटेड है, ये आ गया मेंटल हेल्थ। तो हमने नीचे इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, चैलेंजेस क्या क्या है मेंटल हेल्थ के हमारे इंडिया में, तो हम इंडिया सेंट्रिक पॉइंट से हमें पढ़ना है। तो ये सारे हम पढ़ेंगे अपने नोट्स के अंदर से। हम आते हैं वापस हिंदू के ऊपर, जो आपको पढ़ना है मैंने आपको जिस्ट बता दिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सब बढ़ने लगा है। दूसरा जो आता है कि मैं अनपैकिंग चाइना गेम प्लान। अभी क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा, आपने मतलब कि वहाँ पे दोनों की शांति हो गई थी, दोनों ने अपनी फोर्स को पीछे हटा लिया था, चाइना वालों ने भी और इंडिया वालों ने भी। अब दोबारा से वहाँ कुछ डेवलपमेंट देखा गया है, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे हम देख लेते हैं कि क्या क्या वहाँ पे चल रहा है। तो अभी देखा क्या गया है कि वहाँ पे वो जो हमारे हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट फ़ोटो आए हैं उससे देखा गया चाइना वहाँ पे क्या एयरबेस बना रहा है, यानी कि एयरबेस डेवलप कर रहा है, यानी कि हवाई पट्टी बना रहा है, ये सब डेवलप कर रहा है। तो उन सब चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, न्यू दिल्ली को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। दो रीज़न भी बताया कि देयर एनी लिंक बिटवीन द मतलब दिस कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन में या फिर पैरोकेस्टिक नेशन जो चाइना कर रहा है टॉक टू रिड्यूसिंग द टेंशन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, तो इन सब चीज़ों का द टेक्टिकल एम चाइना का क्या डेवलप करने में, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड कि हाउ वुड दिस चेंजेस अफेक्टेड द बैलेंस एयर पावर, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं इंडिया की और जो वहाँ की आर्मी एयरफोर्स है चाइना की, उसको चेक करना में होगा। अब वीक विकेट इन द एयर, अब प्रॉब्लम थोड़ा मतलब वीकनेस क्या आ गया, एक्चुअली जो ऑक्यूपाइड मतलब कि वेंटेज पॉइंट है जो साउथ, हम जो खड़े हैं वो साउथ पेंगो तैसो लेक के आसपास खड़े हैं। आज मैंने पूरा इसका पूरा एक मैंने आपको ग्रुप में जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ ने मैंने आपको शेयर किया कि चाइना के कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर हमारा डिस्प्यूट है, वो मैंने ग्रुप में पूरी लोकेशन शेयर की है। प्लीज़ उसे नॉर्थ टू साउथ आप ध्यान रखना उस लोकेशन को, कि दिपसेंग प्लेन, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग तैसो, स्पेंगमिक विलेज, गैरगो, सब मैंने जगह बताई है, नॉर्थ टू साउथ एक्सप्लेन की है, आप उसे एक बार जाके देख लेना। कि वीक विकेट क्या है एयर का, तीन रीज़न है। चाइना के सामने में थोड़ा वीकनेस रहेगी क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है वो हाई स्ट्राइक पोटेंशियल है उसके पास, क्योंकि हमारी जो है हम टैक्टिक जो प्रैक्टिस करते हैं हिमालय पर, चाइना क्या करता है हिमालय पर इतनी प्रैक्टिस नहीं करता, वो न्यूली डेवलप कर रहा है हिमालय के आसपास अपनी एयरफोर्स को, पर हम पहले से करते आए हैं फुटिल इन द हिमालयस, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप की हुई है। एक तो हमारा प्लस पॉइंट ये है। फिर जो चाइनीज़ है ना उनके एयर फील्ड तिब्बत में जो है वो बहुत कम है इन कम्पेयर टू इंडिया, वो भी एक चीज़ है कि हम इन चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और ये भी नहीं सोचना हमें कि चाइना कर रहा है तो हमारा प्लस में है कुछ हम ना करें, हमें उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जो तिब्बतन एयर फील्ड आर द एल्टीट्यूड, जो तिब्बत के एयरफील्ड है ना वो इतने एल्टीट्यूड पे बने हुए हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जो चाइना की आर्मी है एयरक्राफ्ट से वहां पे जो उनका जो पेलोड होता है ना वो ना ले जा पाए, क्योंकि जितना ऊपर एरोप्लेन उड़ेगा ना उसका पेलोड कम होना चाहिए, उसका वजन कम होना चाहिए। तो इतने ऊपर ऊपर एल्टीट्यूड है तो उनका वजन का भी ध्यान रखना है, थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना नए नए डेवलप कर रहा है। फिर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए जो अपग्रेडेशन चाइना कर रहा है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता चाइना किस सोच के कर रहा है, कुछ रीज़न साइमल्टेनियसली विड्रॉल सर्टेन जो चीज़ें हैं। फिर ये जो लोकेशंस आई हैं ये इंटरेस्ट इंडिया का भी है और मतलब वो भी बोलते हैं हमारा है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। फिर ये हमारे पास बताते हैं कौन कौन से हैं कि जैगुआर है आपका, मिराज 2000 है, सुकोई है, अब रफाल भी हमारे पास आ गया। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे हम चीज़ों को टैकल करना है, कैसे हमें डेवलप करना है, एयर डिफेंस पे हमें कैसे सब करनी है, कैसे डेवलप करना है। तो कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट होगा इंडिया के लिए भी, ये सारा इसमें बताया गया। दूसरी न्यूज आती है वैक्सीन सेंड ए रॉन्ग सिग्नल। अभी इसमें क्या है,
ये भी एक तरह से सेंट्रलाइजेशन पोजीशन करने के लिए ये फेडरलिज्म को ब्रेकिंग करना है। अभी क्या है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन था, ठीक है ना, उसने जून में क्या किया था, उनके प्रीवियस जो चेयरमैन थे एलएल दत्ता वो रिटायर हो गए थे 2020 में, अब तक कोई अपॉइंट नहीं किया है। अभी रिसेंटली सुबोध कुमार जायसवाल जो सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, उसकी भी पोस्ट कई महीने से खाली थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए थे अप्रैल में, उसकी भी पोस्ट खाली थी। और आपने इलेक्शन भी करा ली उनकी बिना पोस्ट के, मतलब वेस्ट बंगाल में इधर उधर पोस्ट खाली होने की वजह। तो यही बताते हैं कि जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, कि लिविंग द टॉप पोस्ट, आप गवर्नमेंट क्या कर, किसी को अपॉइंट नहीं कर रही है, अगर अपॉइंट कर रही है तो अपनी थोड़ी मर्जी चला के चीज़ें कर रही है। अभी यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, तो उस सब चीज़ों में देखा गया। जो अपॉइंटिंग कमेटी होती है, जैसे इसमें कौन कौन होते हैं, पीएम होते हैं, फिर आपका और भी जो पीएम होते हैं, दो अलग मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसको और एक्सपेंड करना चाहिए। मतलब इन्होंने बोला है 3 मेंबर कमेटी होती है जो हाई लेवल की अपॉइंटमेंट करती है, ये बोल रहे हैं इसको और एक्सपेंड करना चाहिए, यानी कि इसको और फैलाना चाहिए, इसमें और मेंबर को ऐड करना चाहिए, यानी कि 2 मोर मेंबर, मतलब जो भी इन्हें नॉलेज हो उस चीज़ की सिलेक्टेड प्रोसेस के लिए, उनको और भी ऐड करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आप खुद देखो इसमें कौन होंगे, चीफ जस्टिस 3 मेंबर, 5 मेंबर होंगे तो एटलीस्ट मैं सिलेक्शन अच्छा कर पाएंगे ना। तो इन्होंने सारी बात यही की है। और जो भी आप मेंबर हैं जो हाई पोस्ट रिटायर होते हैं, उनको थोड़ी जल्दी अपॉइंट किया करो, देरी मत किया करो सब चीज़ों में। इधर वेस्ट बंगाल ने अपनी काउंसिल के लिए रिसोल्यूशन पास किया है। रिसोल्यूशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे होती है ना लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट के अंदर, किसी किसी बाइकर मिल रहता है, दो होती हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट के अंदर। तो कुछ ही स्टेट के अंदर है, इंडिया में 5 या 4 स्टेट के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिसमें 2 सदन है, अपर और लोअर है, जैसे पार्लियामेंट के होते हैं। पर अब बांग्लादेश ने भी कहीं ना कहीं अपना रिसोल्यूशन पास किया है, उन्हें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को डेवलप करना है। तो क्या क्या प्रावधान है डेवलप करने, कैसे किया जाता है, ये हम अपने नोट से पढ़ेंगे। ये क्यों करना है, बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं। अभी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो हार गई हैं, भले ही वो सीएम है पर वो इलेक्शन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गई हैं। अब उनको अपॉइंटेड करना है, 6 मंथ के अंदर अंदर उनको अपॉइंट होना है। अगर उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया तो वो सीएम पद से रिज़ाइन देना होगा। जैसे अभी उत्तराखंड में देखा गया कि जो अभी तीरथ सिंह रावत थे वो इलेक्शन वहाँ पर करा नहीं पाए। अब इसमें टशल क्या है, अगर इलेक्शन कराएंगे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए खाली करेंगे, इलेक्शन कराएंगे, क्या पता इलेक्शन कमीशनर इलेक्शन ना कराए तो 6 मंथ ऐसे ही पूरा कर ले। तो वो चाहते हैं कि इस ऐसे आ जाए और इसके अंदर किसको चुन लिया जाए, ममता बनर्जी को चुन लिया जाए एज ए MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चुन के उनको बरकरार CM रखा जा सके। और जो उनके कुछ और चहेते होंगे जो हार गए इलेक्शन, कुछ और पॉलिटिकल वाले होंगे जो हार गए, उनको एक गेटवे होता है अंदर MP या फिर कुछ पोर्टफोलियो में मिनिस्टर बनाने का, MLC बना के। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यसभा में भेज देती है, जो तुम्हारे अभी MP के एक हैं आपके सिंधिया जी हैं, उनको मतलब वो कांग्रेस छोड़ के BJP में आए थे, फिर उनको राज्यसभा में भेजा गया था, और रिसेंटली आज या कल में उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई पद दे दिया जाएगा। तो वही होता है एक तरह से, ये पॉलिटिकल चीज़ें चलती हैं, लोग इसमें करते हैं कि ऐसी असेंबली डेवलप करते हैं। तो ये वाली न्यूज़ थी। फिर जो न्यूज़ आती है टेलीमेडिसिन सर्विसेज एम्पावर द वॉइस, जो टेलीमेडिसिन ना हमारा टेली लॉ, जैसे आप फ़ोन करते हैं, जैसे आप बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, कंसल्ट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, आप फ़ोन करते हैं वकील को, सर मैंने ऐसे ऐसे किया है, मेरे साथ ये ऐसे ऐसे हुआ, उसके कौन कौन से कानून के प्रावधान है जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा बोला गया है, जो हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर उन्होंने बोला है, जो लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, उनकी जो एम्पावरिंग वॉइसलेस थे वो बढ़ रही है, मतलब बढ़ इन द सेंस कि अब उन्हें पता लग गया ना अपने लॉ क्या क्या है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या क्या कानून के अंदर क्या बोलता है, तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछ लिया, जो भी वो टेली लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या गवर्नमेंट करे या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो या फिर कोई इंडिविजुअल भी कर रहा हो, आप देखते ना सरकारी मतलब वकील की सलाह लें एक कॉल करके, तो वही सारी चीज़ करने की वजह से कि लोगों की जो वॉइसलेस थी ना, मतलब लोग बोल नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं आगे वो एम्पावर होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें यही बताया कि लॉयर एंड द मतलब कि जो बहरा लीगल वॉलंट्रीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं टेली की, मतलब टेलीफोन करके आप पूछ सकते हो क्या क्या, इससे लोगों को स्पीच मतलब वॉइस मिल रही है बोलने के लिए, तो ये बहुत बड़ा कदम है। इससे रिलेटेड ई कोर्ट्स होते हैं कि ई कोर्ट ऑनलाइन आप कोर्ट में अपनी हियरिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ़ायदा होता है। इससे आपका पैसा भी बचता है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल करनी है, तो आप तमिलनाडु में रहते हो तो आपको फिजिकली आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, अब आपको यहाँ के कोई वकील भी करना पड़ेगा, अब आप ऑनलाइन कंसल्ट है तो वहीं पर कोई वकील करके अरे वहीं से ऑनलाइन अपनी अपील कर सकते हैं। तो इसे फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है कि ई कोर्ट है तो ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन चलने के लिए आपको पेनिट्रेशन होना चाहिए इंटरनेट का, वो नहीं है इंडिया में। फिर हैकर्स होते हैं, वो हैक कर लेते हैं कभी कभी बड़ी बड़ी वेबसाइट। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गांव-गांव तक, रेंज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है।
ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पावर तो करती हैं, ऐसी अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर यही डिलिमिटेशन कमीशन है, कैसे बनती है, कितनी बार बन चुकी है, अब तक क्यों बनती है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। ये कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, डिलिमिटेशन कमीशन, आप ग्रुप में जाना, वीडियो में जाना, वहाँ पे उसके नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो मैं पॉइंट पढ़ाता हूँ वहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, ये हर सेंसस के बाद बनाई जाती है, ऐसा कानून में लिखा है, जो भी सेंसस आएगा उसके बाद इसको बनाया जाएगा। जो लास्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन आई थी वो 2001 सेंसस के बाद बनाई गई थी, 2002 में, ठीक है ना, उसके बाद ही नहीं बनाई गई, उसको ब्लॉक कर दिया गया 2026 तक के लिए, कि 2021 में नहीं, 2011 में नहीं बनी, तो 2026 तक के ब्लॉक कर दिया गया। 2026 के बाद 2031 में सेंसस आएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। इसका काम क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, जिसमें MLA और MP इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से मतलब जो एरिया होता है उसको डिसाइडेड करना कितने आदमी को क्यों, क्योंकि ये क्या काम करती है, जैसे यहाँ है, यहाँ 100 लोग हैं और यहाँ मतलब कि 150 लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, लोग इधर ज़्यादा हो गए तो इधर MP के लोग ज़्यादा हो गए, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसमें 150 लोग हैं, इसमें 100 लोग हैं, इसका काम क्या होता है, 25 लोग इधर भेज देना, तो 125-125 दोनों जगह हो जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे, उस चीज़ को करना, बाउंड्री स्ट्रक्चर छोटा बड़ा करना। पर इसका काम ये, जैसे 250 सीट होती हैं राज्यसभा में, 350 सीट होती हैं लोकसभा में, उसको भी बढ़ा सकती है, पर वो भी सीज़ की हुई है अमेंडमेंट से, 1971 के हिसाब से सीज़ की हुआ है। क्यों सीज़ किया गया है, अगर देखो बिहार UP है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, तो ऐसे अगर करेंगे पॉपुलेशन वाइज लेंगे, ठीक है ना, MP MLA को, तो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा MP MLA बिहार, जो पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से होंगे, जो स्टेट पॉपुलेशन कम करने के लिए साउदर्न स्टेट काम कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग को अच्छा करती जा रही हैं, फर्टिलिटी रेट कम कर रही हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, जिसके ज़्यादा MP उसके सरकार बनेगी, उसका प्रधानमंत्री होगा, तो वो स्टेट ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने जो सीट का नंबर है वो 1971 के हिसाब से फिक्स किया हुआ है, पर बस ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, ये एरिया को छोटा बड़ा करती रहती है, MP उतने ही रहते हैं, इधर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, ज़्यादा वोट हो जाते हैं, तो इधर ट्रांसफ़र कर देती है इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ऐसे ये लोग करते रहते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन है, कौन बनाता है, ये मैंने कई बार बताया, तो अगली बार आपको ये पढ़ा दूंगा ये चीज़ है। आगे चलते हैं स्कूल प्रिपेयरिंग फॉर द रिजल्ट, अब CBSE अपना एग्जाम निकालेगी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेंटल जो इंस्टीट्यूशन है, मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान दो, उनको पैसा वैसा प्रोवाइड करो, लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हाई कोर्ट में एक अपील आई है, सेम सेक्स मैरिज हुई है, एक इंडियन का सिटीजन, एक आपके US के सिटीज़न है, तो उन्होंने शादी कर ली थी आपस में, तो वो अभी इंडिया में घूमने आए थे, तो उनको देखा गया कि रजिस्टर्ड करना था, OCI कार्ड लेना था, क्योंकि उनके वन ऑफ द स्पाउस ही हुआ ना है, दो जोड़े हो गए थे, स्पाउस ही हुआ, तो उनको मतलब OCI कार्ड होल्डर लेना था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, उन्होंने फाइल कर दी कि आपके राइट्स हैं, LGBTQ तो हमारे पास शादी कर सकते हैं, तो यही है कि लीगल रिकॉर्ड। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला है गवर्नमेंट से, कि आप लीगल रिकॉग्निशन दो जो सेम सेक्स मैरिज करते हैं, कोई भी हो चाहे, जो नॉन हेटरोसेक्सुअल हो, कोई भी मैरिज करते हैं, किस चीज़ के अंदर दो, फॉरन मैरिज एक्ट के अंदर या स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 है इसके अंदर, आप उनको लीगल मतलब की तरह से रिकॉग्नाइज करो अगर वो कर रहे हैं। अब ये एक्ट क्या है, फॉरन मैरिज एक्ट तो समझ में आता है, किसी विदेशी महिला से, विदेशी पति से आप शादी करते हैं आदमी से, तो फॉरेन में रजिस्टर्ड होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, आप इसमें कास्ट वास्ट नहीं देखी जाती, इसमें कोई भी जाके, जैसे जो दो धर्म के लोग होते हैं, या तो हिंदू के रीति रिवाज से शादी करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आएगा, मुस्लिम से करेंगे तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर आएगा, अब वो हिंदू कर रहा है शादी मुसलमान से तो किस एक्ट के अंदर रखेंगे, तो उसके लिए क्या बनाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 को बनाया गया था, इसमें कोई धर्म वर्म नहीं पूछा जा सकता। फिर कंसर्ट द रीओपन द, मतलब कि जो क्या है, ये हमारे जो अफगान के आपके एम्बेसडर हैं जो इंडिया में है, मतलब कि ठीक है ना, हमारी जो एम्बेसी थी अफगान में उसके एम्बेसडर हैं वहाँ पे हैं, तो उनके लिए खतरा है थोड़ा, क्योंकि अब विड्रॉल कर रहा है US वहाँ से, तो मे बी तालिबान राइज कर सकता है, तो उन्होंने बोला है कि जाएं या नहीं जाएं, थोड़ा कंसल्टेशन चल रहा है उस पे, बात बन जाएगी, आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। दूसरी न्यूज़ यही आती है, US लेफ्ट एयरबेस विदाउट द नोटिस, US छोड़ के चला गया, अफगान का कोई एयरबेस होगा उसको बताया भी नहीं, बाद में जाने के बाद बताया, और अब तक 90% जो कंप्लीट जो वहाँ के ट्रूप्स हैं अमेरिका के वो जा चुके हैं, ऐसा पेंटागन ने बोला है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। राइज द तालिबान इम्पैक्ट ऑन ग्लोबली एंड इंडिया, अगर राइज हुआ तालिबान टेररिज्म बढ़ा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, इवन इस पर आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं, बहुत सारे ने आंसर भी लिख के सेंड किया था ग्रुप के अंदर, तो इसको बाद में कभी और रिपीट करेंगे, क्योंकि कल भी न्यूज़ आई, आज भी आई, तालिबान का कई दिन तक चलने वाला है, तो आप चाहो तो इसके लिए एक आंसर फॉर्मेट करके 5 पॉइंट या 10 पॉइंट, इंडिया के ऊपर 5 पॉइंट क्या इफेक्ट है, फिर ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 पॉइंट 10 पॉइंट बना के रख सकते हो, कि अब आराम से आप 150 वर्ड का आंसर कहीं भी पुटअप कर पाएँ, कुछ पॉइंट मेंशन कर पाएं।
दूसरी न्यूज आती है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किस चीज का है? दो डैम का है, दो रिवर के ऊपर है, नाइल रिवर है उसके ऊपर, ब्लू नाइल व्हाइट नाइल है, कुछ डैम डेवलप कर रहे हैं, वो भी मैं आपके नोट से बताऊंगा क्योंकि आपको मैप समझना जरूरी है। फिर आता है ओपेक। अभी क्या हो रहा है कि देखो, एक चीज होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। अगर सप्लाई बढ़ती है ठीक है ना, तो प्राइस कम होते हैं क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में, डिमांड है 5 आलू की, जब आ रहे हैं 10 आलू तो पैसे घटेंगे, और सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई 5 आलू की है और आप 10 आलू रहे हैं तो पैसे बढ़ेंगे, तो वही सारा पेट्रोल का हिसाब हो रहा है। कुछ नेशन बोल रहे हैं आप प्रोड्यूस ज़्यादा करो, इंडिया भी बोल रहा है कि आप ज़्यादा सप्लाई करो, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो इनमें टसल चालू है ओपेक और ओपेक प्लस नेशन में और इसके बाद रशिया में। तो वही सब चीज़ बात कर रहे हैं आपस में कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ कि जो प्राइस नीचे आ जाए, बहुत राइज कर गए हैं प्राइजेस, ये वो सब इंडिया भी बोल रहा है, इंडिया की मिनिस्ट्री बोल रही है पेट्रोलियम, तो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इनका एक होता है ओपेक नेशन का, मैंने कल बताया था पूरा, ओपेक नेशन कई बार बता चुका हूँ, रिपीट दोबारा नहीं करूँगा। कितने इसमें नेशन है? 11 इसमें नेशन है ओपेक में, और बचे हुए जो आते हैं ओपेक प्लस में आते हैं, इन्होंने सारे संगठन डेवलप किया हुआ है। आगे चलते हैं, तो इतनी ही न्यूज़ थी हिंदू से रिलेटेड। कुछ इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ है जो मैंने ऑलरेडी देखो, इसमें सिमिलर न्यूज़ आती है, UAPA फिर एक गवर्नर चेंज हुए हैं सब जगह के, इसकी सिमिलर न्यूज़ आती है, और कुछ न्यूज़ जो एक्स्ट्रा है वो मैंने अपने हिंदू के अंदर मतलब नोट्स के अंदर उठा के लेके आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे ये न्यूज़ है राजस्थान का, मतलब एक सर्वे आया ये वाली है, फिर राजस्थान ने डेवलप किया है कॉरिडोर, डेवलप करेगा जो टाइगर रिजर्व के लिए, ये मैंने उसमें मेंशन किया है। प्लीज़ NCTA के बारे में पढ़ लेना आप, टाइगर टास्क फोर्स के बारे में पढ़ लेना अलग से, जो होती हैं इस चीज़ के लिए बनती हैं, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आगे चलते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी उठाई हुई है इस चीज़ से, नहीं आप इसमें ध्यान मत दो, मैंने उठाया हुआ है इसमें। फिर ये सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र मेंटली वही इल कस्टोडियल होम में मत रखो। फिर ये ड्राफ्ट ई कॉमर्स, एक ड्राफ्ट आया ई कॉमर्स के लिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या होने वाला है, अभी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक वीडियो है मेरी, आप जाना उसे देख लेना। ई कॉमर्स वो सेल वेल करते थे, वो बेनिफिट नहीं पहुँचाता था, अभी ड्राफ्ट है, जब ये रूल और लॉ बनेगा उसके बाद हम इसको देखेंगे क्या क्या चेंजेस होके बनते हैं, कभी UPSC ड्राफ्ट नहीं पूछता। फिर चाइना सेंचुरी, मतलब 100 साल हो गए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, ये आर्टिकल 5-6 दिन से हिंदू में 5-6 दिन से इसमें चल रहा है, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, आपको पढ़ना है पढ़ लेना, ये बिल्कुल मत पढ़ना पूरा आर्टिकल, बस ये पढ़ना सेंट्रल वीस्ता प्रोजेक्ट है क्या, कैसे डेवलप किया गया है, इसमें यही न्यूज़ थी। आगे हमारा हिंदू ये ख़त्म हो जाता है एक्सप्लेनेशन पे आके। GST वही मैं बताऊंगा आपको। फिर इधर ये बॉन्ड डील क्या होती है, ये भी कभी सेपरेटली पढ़ लेंगे, मैंने ऑलरेडी मैं मार्क करके भेज देता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, अपनी तरफ से भी आपको चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए और मतलब आपको पढ़ना चाहिए सर्च करके। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदू से क्या क्या आज न्यूज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं मेनली इस चीज़ के लिए। पहली बात, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम का, तो ये वाला लिंक है, इस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी किया करें, क्योंकि इससे एक प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। जो मैं आपको बताने वाला है चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उनको मैं बताने वाला हूँ। देखो, ये तो मेरे गूगल मैप का है, ये मैंने गूगल मैप पे, मैं जो भी करंट में न्यूज़ आती है उसको सेव कर लेता हूँ एज ए लोकेशन वाइज, उसको मैं सेव कर लेता हूँ स्टार मार्क देके। तो सबसे ऊपर जो आता है ये जो एरिया, ये आता है आपका दिपसेंग प्लेन आते हैं, उसके नीचे आता है ये हॉट स्प्रिंग है, मैंने मेंशन नहीं किया, ये हॉट स्प्रिंग है। देखो यहाँ पे दिखाई देंगे दिपसेंग, सॉरी हॉट स्प्रिंग नीचे है, हॉट स्प्रिंग ये है, सॉरी ये है हॉट स्प्रिंग, ये ऊपर कौन सा आता है दिपसेंग, उसके नीचे आता है गलवान वैली, ये नॉर्थ टू साउथ याद रखना, साउथ टू नॉर्थ पूछ सकता है। फिर ये आते हैं आपके हॉट स्प्रिंग आते हैं, हॉट स्प्रिंग होंगे, उसके नीचे आता है इस पेंग में, ये आपकी पेंगोंग तैसो लेक है, पेंगोंग तैसो लेक के बिल्कुल ईस्ट साइड में, सॉरी वेस्ट साइड में आपका स्पेंगमिक विलेज है, जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, उसके बीच में पेंगोंग तैसो के साउथ साइड में, जहाँ पे इंडिया स्टैंड करता है साउथ साइड में, वहाँ पे चुसूल है, ठीक है ना, और बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे आपका है स्पेंगूर तैसो, एक छोटी सी लेक है स्पेंगूर तैसो यहाँ पे, ठीक है, इस पर इंडिया का कब्जा है स्पेंगूर तैसो पे, ये हो गया। फिर नीचे आगे आपके रोंगो होंगे, यहाँ पे रोंगो हो जाएंगे, और भी नीचे आओगे रोंगो से नीचे डैमचौक, ये डैमचौक हो जाएगा, फिर हिमाचल स्टार्ट हो जाता है इससे नीचे। तो ये कुछ लोकेशंस हैं, इधर भी हैं गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग तैसो की साउथ साइड, फिर मैंने और भी बताया स्पेंगूर बताया, इधर मैंने आपको डैमचौक बताया, इधर चूमर भी याद कर लो, बिल्कुल लास्ट में चूमर,
डैम चौक के बिल्कुल नीचे आ जाएगा चूमर। तो ये कुछ लोकेशन है, मैं ऑलरेडी इनकी पिक शेयर कर चुका हूँ, एक दो बार आप देखते रहा करो। फिर आती है गवर्नर, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया गया, इधर से उधर शिफ्ट किया गया, कुछ किया गया, जो आपके यूनियन मिनिस्टर थे तरवाचंद गहलोत, इनको कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया। तो अभी मिनिस्टर नहीं रहेंगे क्योंकि पोर्टफोलियो छोड़ना पड़ेगा, गवर्नर बने हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी क्या होना है, कुछ आप देखोगे नए मिनिस्टर देखने वाले हो, आप नए मिनिस्टर देखने वाले हो, अपनी उसमें कुछ फेरबदल किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है वो गवर्नमेंट जाने, मुझे नहीं पता। अब गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सब जो होते हैं, इनकी जो आर्टिकल में आते हैं वो आते हैं आपके आर्टिकल 156 से लेके स्टेट के होते हैं 167 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है किस चीज़ का, जो स्टेट की चीज़ें होती हैं उन सबका ये हेड होता है। और ये यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेटेड गवर्नर इन ईच स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है नॉमिनेट करती है, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, बस इतना याद रखो। गवर्नर कौन होता है, एक तरह से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जैसे आपका नॉमिनल आपके प्रेसिडेंट होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं बस नाम के, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है सब स्टेट का। ही फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो होता ही है। क्यों होता है, कि कोई भी बिल पास होगा असेंबली से तो साइन तो इनके ही होते हैं बाद में कहीं ना कहीं, तो एक तरह से हेड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसी स्टेट, मैंने आपको बता ही चुका हूँ कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट कौन करेगा, वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन भेजेगी किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको अपॉइंट करता है। तो अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं बहुत बार, ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो कन्फ्यूज जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो करती है, ये करती है, वो करती है। नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा हमेशा। नॉमिनेटर, देखो दोनों में डिफरेंस आ गया ईच स्टेट में। अनलाइक द इलेक्शन, देखो प्रेसिडेंट के लिए तो इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं पढ़ाऊंगा कौन कौन पार्ट करता है, पर जो गवर्नर होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता, इट इज़ ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर डज नॉट सर्व द यूनियन गवर्नमेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट को सर्व नहीं करता, इट इज़ ए सबॉर्डिनेट रहता है, ना ही यूनियन गवर्नमेंट को सर्व करता है, ना ही वो सबॉर्डिनेट रहता है गवर्नमेंट का, एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इंडिपेंडेंट आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये। नॉमिनल होता है कि मतलब कि नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर बाय द यूनियन एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इंडिया बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, जो ये मॉडल है अपॉइंट करने का, सब कुछ करने का, ये कैनेडियन मॉडल पे हमने लिया गया। अब उसके बाद क्या टर्म क्या है इसकी, इसकी कोई फिक्स टर्म पे ऐसे नहीं होती, जब प्रेसिडेंट साहब चाहें जब इसे हटा दें, जब लगाएं इसे लगा लें, ठीक है ना, जो मर्जी हो जहाँ भेज दें, जब मर्जी उन्हें रिमूव कर सकते हैं, कोई ऐसी पोस्ट नहीं होती। गवर्नर में ऑल्सो गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे वो ट्रांसफर भी करते रहते हैं, ही ऑल्सो कैन रीअपॉइंट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। तो एक यूजुअली टर्म देखा गया, यूजुअली टर्म क्या देखा गया था, जो फॉलोइंग विच द गवर्नर में सिट द ऑफिस बियॉन्ड द 5 ईयर, वो अपने 5 साल के बाद भी बैठ सकते हैं, एक नॉर्मल टर्म हमने रखी हुई है कि 5 साल, उसके बाद भी वो बैठ सकते हैं, बस वो किसके, ठीक है, जब तक कोई न्यू गवर्नर चार्ज नहीं लेते ऑफिस का तब तक वो बैठ सकते हैं। और प्रेसिडेंट की डिक्टेशनरी पावर होती है, उसकी मर्जी से वो कर सकता है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी कंसर्न द स्टेट कैन ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑन अ टेम्परेरी बेसिस हाउ द प्रेसिडेंट थिंक फिट। एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नर डेथ, कोई डेथ वेथ हो जाए बीच में, एकदम से कुछ हो जाए, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, किसी हाई कोर्ट के जज से मिलकर अपॉइंट कर सकते हैं किसी गवर्नर को, ठीक है, ये भी एक है। हु क्वालिफाई, कौन क्वालिफाई कर सकता है गवर्नर के लिए, अनलाइक लोकसभा राज्यसभा जो मेंबर होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हु इज द सेट ऑफ द क्वालिफाइड होल्ड ऑफिस, गवर्नर हैज़ मीट 2 कंडीशन, बस ये 2 कंडीशन को याद रखो जो गवर्नर के लिए होनी चाहिए। कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, या एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये 2 कंडीशन है जो संविधान में लिखी हुई है, ठीक है। 2 मतलब कि कन्वेंशन डेट द गवर्नमेंट फॉलो, कुछ कन्वेंशन गवर्नमेंट फॉलो करनी पड़ती है, वो क्या है, द पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज ए गवर्नर हु बिलोंगिंग टू द स्टेट। अगर मैं यूपी का हूँ और मैं यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता, राजस्थान का किसी भी स्टेट का बन सकता हूँ, तो एक ये है, अगर करने से पहले आपको कंसल्ट करना पड़ता है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले बात करता है कि भाई साहब हम इस फला आदमी को आपके यहाँ भेज रहे हैं, रख लेना। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको करना पड़ता है। अब कंडीशंस क्या होती है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ हिज ऑफिस, ही कैन नॉट ए मेंबर, एक तो मेंबर नहीं होना चाहिए राज्यसभा लोकसभा का, तो तरवचंद सिंह गहलोत MP हैं, अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा वो पद भी, तो ये कंडीशन है। और ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ द गवर्नर ऑफ द ऑफिस आने से पहले ये सब चीज़ छोड़ के आना होता है, बाहर रख के आना होता है। कोई प्रॉफिट ऑफ द ऑफिस, प्रॉफिट ऑफ द ऑफिस इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि प्रॉफिट ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो वो कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं उसके पास होना चाहिए।
या फिर प्रॉफिट हो, एक चीज़ बता दो जहाँ गवर्नमेंट के 25% से कम शेयर हो किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। ज़्यादा शेयर होंगे तो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में काउंट होगा, कम शेयर होंगे तो नहीं गिना जाता एक तरीके से। किसी चीज़ के MD नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें। और इनके जो इनको फ्री राज्य भवन दिया जाता है, देखा ना, गवर्नर को राज्य भवन मिलता है, प्रेसिडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसका पेमेंट नहीं देना होता। इनको सैलरी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, चीज़ें दी जाती हैं। और गवर्नर अगर दो स्टेट का है, ऐसा भी होता है ना, गवर्नर दो स्टेट का ही बना दिया जाता है, इसको हिमाचल प्रदेश भी दे देंगे, इसको मतलब पंजाब भी दे देंगे या हरियाणा भी दे देंगे, दो स्टेट एक साथ दे देंगे। तो अलाउंसेस कैसे दिए जाने हैं, मतलब सैलरी कैसे दोगे उसे, तो प्रेसिडेंट बताते हैं कि इनको ऐसे दो, ऐसे ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करो। अगर आप एक बार गवर्नर बन गए तो उसके बाद आपकी जो सैलरी अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं वो पार्लियामेंट भी ही कम नहीं कर सकती। जितने आपको अपॉइंट टाइम पे मिल रहे हैं वही मिलते रहेंगे, उससे पहले कुछ भी कर सकती है। फिर ये किया, उसके कुछ इम्यूनिटी दी गई है, इम्यूनिटी मतलब कुछ विशेष ताकत दी है, इन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर जब तक वो हैं उस चीज़ में उनके ऊपर नहीं फाइल होगा, यानी क्रिमिनल प्रोसीजिंग ही गिव द इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होगा। चलो क्रिमिनल तो नहीं होगा, ठीक है, क्या सिविल होगा? सिविल होगा, अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते उन्हें, इम्प्रिजन मतलब पहुँचा ही नहीं सकते। सिविल होगा, हाँ सिविल हो सकता है, पर आपको 2 महीने पहले नोटिस देना होगा उन्हें अगर उन्होंने कोई सिविल क्राइम किया है। क्रिमिनल तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, होगा मतलब ऐसा होता है क्रिमिनल, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया फिर उनके ऊपर हटा दिया जाता है, हटने के बाद ऑफिस से वो बाहर चले जाते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं, पर एट द टाइम ऑफ ऑफिस नहीं कर सकते। व्हाट आर द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर, अब मैं स्पीड में जाऊंगा क्योंकि देखो टॉपिक ये पॉलिटी का है, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये 2-2 घंटे की, मैं आपको पूरे दिन नॉन स्टॉप हिंदू पढ़ा सकता हूँ, पूरे दिन नॉन स्टॉप हिंदू, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक एक पॉइंट के बारे में हिंदू के अंदर होता है, तो उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। एग्जीक्यूटिव पावर होती है इनके पास, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होती है गवर्नर के पास, क्योंकि इनके पास क्या पावर होती है एग्जीक्यूटिव करने की, जैसे एक्शन लेने की, स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेती है इनके नाम पे लेती है, वो एग्जीक्यूटिव पावर ही है इनकी, कि कोई नॉट मेक द रूल, ठीक है ना, इन द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर अपॉइंट ये करते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। कुछ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स होते हैं किसी स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपॉइंट करने की, ये अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है तो स्टेट का भी एक सरकारी वकील होता है, उसको ये अपॉइंट करते हैं, उसकी सैलरी वैलरी क्या रखनी है ये डिपेंड करते हैं। ही अपॉइंट द फॉलोइंग, जो और भी आदमी को अपॉइंट करते हैं, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस का जो चेयरमैन मेंबर होते हैं ये अपॉइंटेड करते हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो होते हैं, डिफरेंट स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उनके वाइस चांसलर तो यही होंगे, गवर्नर खुद वाइस चांसलर, वो अपॉइंटेड करते हैं। और भी चीज़ें देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल लगाना है नहीं लगाना, प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन करते हैं, तो यही करते हैं, ये सारी पावर है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है इनके अंदर, एग्जीक्यूटिव तो आपने देख ली, मतलब कि आपकी प्रोरोगेट कर सकते हैं स्टेट असेंबली को, डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अगर वो उसे मेजॉरिटी में नहीं है। फर्स्ट सेशन को, हर फर्स्ट सेशन को स्टेट में होने से पहले यही मतलब प्रिसाइडिंग करते हैं। ई एनी बिल कोई पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेचर में, वो गवर्नर के ऊपर होती है, उसे कंसर्न क्या करना है, देना है नहीं देना। इफ़ द स्पीकर इज लेजिस्लेटिव असेंबली इज एबसेंट, द सेम द डिप्यूटी स्पीकर भी एबसेंट है, तो गवर्नर अपॉइंटेड करता है किसी आदमी को वो सेशन लेने के लिए, ये काम करते हैं। 12 जो मेंबर से राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं तो गवर्नर भी अपॉइंटेड करते हैं, 1.6 टोटल मेंबर, जिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आगे बताऊंगा किस बेसिस पे, लिटरेचर साइंस आर्ट आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सब से रिलेटेड बेसिस पे ये अपॉइंटेड करते हैं। और भी क्या चीज़ें करते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 2 मेंबर इन द लोकसभा, अब ये खत्म हो गया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन, जो था ना 2 मेंबर इन द लोकसभा जो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया था 2020 में, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, अब एंग्लो इंडियंस नहीं अपॉइंटेड होंगे। एंग्लो इंडियंस कौन से होते, जिनके वो पूर्वज वो इंग्लैंड विंग्लैंड के थे पर यहाँ पर बस गए थे, उन्हें एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सीट प्रोवाइड कर दी थी हमने, तो अब लगता है कि अब तो बचे नहीं है कोई। ये सारी चीज़ें हैं, ये इलेक्शन कमीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना तो कंसल्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, बिल को रोक सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए बिल को, ये कुछ पावर होती हैं इनके पास। व्हेन द प्रोविजन ऑफ द बिल इज़ वॉयलेटेड कंसर्ट, ये सब चीज़ों को चेक करते हैं कि DPSP ढंग से आपने किया है कि नहीं किया, कि वॉयलेट तो नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चेक वेक करते हैं, अगर लगता है तो बिल को ये रोक भी लेते हैं, रख भी लेते हैं, प्रेसिडेंट के पास भी भेज देते हैं चीज़ों के लिए।
ये रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट होते हैं वो ले डाउन करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, जब दोनों हाउस या सिंगल हाउस मतलब कि सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पास कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। कुछ रिपोर्ट होती है उनको ले डाउन करते हैं वो असेंबली के अंदर, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है उसको असेंबली के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये रखते हैं, इनके नाम पे वो रखी जाती हैं। कुछ फाइनेंशियल पावर भी दी गई है इनके पास, जैसे जो आपको मनी बिल लेके आना है तो पहले इनकी रिकमेंडेशन चाहिए, आपको स्टेट बजट पास करना है तो मतलब ये पहला सेशन लेते हैं, ये डिम कोई ग्रांट मतलब इनको देनी है, अदरवाइज कैन नॉट बी ही रिकमेंडेड, कोई मतलब कि डिमांड फॉर ए ग्रांट मतलब की दी जा रही है। और फिर जो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है, इमरजेंसी फंड इसे बोलते हैं, उस अगर कोई डिमांड बढ़ रही है तो वो ये देते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट ये करते हैं। जैसे फाइनेंशियल कमीशन सेंटर की होती है, कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट करते हैं ना, बनाते हैं, बोलते हैं कि 5 साल के, तो स्टेट की गवर्नर करते हैं। जुडिशली पावर क्या होती है, वही माफीनामा, आप माफी, जो कोई क्राइम होगा तो यहाँ को पूरा माफ भी कर सकते हैं, सजा को मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब एक सजा से दूसरी में। रिस्पाइट मतलब अगर आप कोई प्रेग्नेंट वूमेन हो जेल के अंदर हो तो आपको सजा का तो वो चेंज नहीं होगा, पर आपको कुछ माफ़ी दे दी जाएगी, या 5 साल की सजा विदाउट फॉर्म, 5 साल की सजा 2 साल तक आपकी कर दी जाएगी। रिमिट कर सकते हैं, रिमिट मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कोई स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, मतलब आपको फांसी दी जानी है, ठीक है, और उस पर थोड़ी देर के लिए स्टे लगा दिया कि जब तक गवर्नर ना चेक करें तब तक लिमिट लगा सकते हैं, कॉमिट्यूट कर सकते हैं एक फॉर्म सेंटेंस को दूसरी फॉर्म सेंटेंस में, ये सब चीज़ें करके ये सब चीज़ें होती हैं। पार्टनिंग वार्डिंग मैंने एक शायद वीडियो भी बनाई है इसकी, अगर आपको देखनी है तो वो देख लेना, ठीक है ना। ये अपॉइंटेड करते हैं हाई कोर्ट के जज को कंसल्ट विद द गवर्नर, प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। इन द कंसल्ट विद द स्टेट हाई कोर्ट गवर्नर में अपॉइंटमेंट कर सकता है, पोस्टिंग कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट जज का, तो डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए कौन करेगा, वो गवर्नर कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के जज से, और अगर हाई कोर्ट का जज होगा तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा गवर्नर से जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटेड किया जाएगा। इसमें सीएम भी होता है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या, आर्टिकल 154 क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे ऑफ द स्टेट के, ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इनके नाम भी लिए जाएंगे। आर्टिकल 163 क्या बोलता है, ही विल एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, इनको एडवाइस करते हैं कोई काम करने से पहले कि सर आप ऐसे ऐसे करो, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी चीज कुछ चीज़ें हैं। गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, यानी कि उनके ऊपर अपनी पावर होती है वो क्या करना चाहे। तो डिक्टेशनरी पावर क्या बोल सकते हैं, मैं आपको एक छोटा हिंट दे देता हूँ। जैसे कोई गवर्नमेंट बनी, इतनी सीटें जीत के आई, 50 सीटें जीत के आई हैं, उस स्टेट को 150 सीटें, एक पार्टी 10 सीटें जीती, एक पार्टी 10 सीटें जीती, एक पार्टी 40 जीती, तो 40, 1, 90, 10, फिर छोटी छोटी पार्टी 5, 10, 5, 10 जीत, किसी की भी 75 होनी चाहिए ना सीटें, 76 होनी चाहिए, अगर 150 सीटें स्टेट में अगर आपको सरकार बनानी है, तो गवर्नर की डिक्टेशनरी पावर होती है वो पहले किस पार्टी को बुलाए, अब कि आप आओ, अब आप अप्रूव करो अपनी मेजोरिटी जाके। तो मोस्टली क्या होता है कि जिसकी ज़्यादा सीटें होती है उसको बुलाता है, पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया जिसकी सीटें भी कम होती हैं उसको भी बुला लेता है गवर्नर कि आप आओ अप्रूव करो मेजोरिटी, उनकी वो डिक्टेशनरी पावर होती है। ये सारे कुछ आर्टिकल हैं गवर्नर से रिलेटेड, ये आप आज अपने जाके पढ़ लेना। दूसरा जो आता है रिवर नाइल से, जो मैं बताने वाला था इथोपिया के अंदर, अभी चक्कर क्या है देखो, आप पहले इस मैप को समझो, जो वाइट नाइल निकलती है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, एक मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है KTU KTM होती है ना, KTU, विक्टोरिया बहुत गोरी थी, तो KTU केनिया, आपकी तंजानिया और युगांडा, इन 4 स्टेट के बीच में कौन सी बॉर्डर टच करती है, वो करती है लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया बहुत गोरी थी ना, बहुत गोरी थी, एकदम विक्टोरिया जैसे नाम सुनते अंग्रेज थी, गोरी थी, तो ये यहाँ से निकलती है वाइट नाइल, ये जाके आगे चली जाती है, और ये जाके आपका सूडान में जाके ब्लू नाइल से मिलती है, जो निकलती है लेक टाना से निकलती है, ब्लू नाइल लेक टाना से निकलती है, तो वहाँ पे जाके। अब चक्कर क्या हो रहा है, जैसे ये इथोपिया है, ये यहाँ पर डैम डेवलप कर रहा है, तो पानी रोक लेगा एक तरीके से, पीछे आने वाला अपनी मर्जी से पानी आगे भेजेगा, जो ये सारा अफ्रीका है, सारा मिट्टी है, लाइफलाइन है ये इजिप्ट की, लेक नाइल लाइफलाइन है सूडान की, तो ये सारी स्टेट जो आगे इस वाली स्टेट है इस पर क्वेश्चन मार्क उठा रही है, क्वेश्चन मार्क क्योंकि आप ये डैम गलत डेवलप कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। आप जैसे चाइना से बोलते हैं ब्रह्मपुत्र पर डैम मत बनाओ, फिर वो भी मानता कहाँ, ये भी, तो अभी इन पे डिस्प्यूट है इस सारी चीज़ का, तो इथोपिया ये सारी चीज़ में आएंगे। आपने समझ लिया, KTU समझ लिया, लेक विक्टोरिया गोरी थी तो वाइट नाइल निकलती है, और लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है, तो इथोपिया क्या वहाँ पे डैम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, इसका नाम है ग्रांट इथोपिया रेनेसा डैम डेवलप कर रहा है इथोपिया के ऊपर। आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ये देखो
केटी बता दिया, तो यहाँ पे ये कौन सा डैम बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है डैम, तो इस डैम से क्या लॉस होगा? लॉस तो यही होगा ना कि आगे पानी नहीं जाएगा। अब सूडान और इजिप्ट इसी पर है, इसी नाइल रिवर पे ही बेस है उनकी इकनॉमी सारी, सारा पानी इससे ही मिलता है फ्रेश वाटर पीने लिए, तो पानी कम हो जाएगा। तो पानी कम होने से इन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया कि आप ये गलत कर रहे हो, इनके बीच में इसी बात की फाइट है। आगे चलते हैं, अब आगे फास्टैग से रिलेटेड, पहली कश्मीरी गेट है फर्स्ट टाइम जो फास्टैग बेस पार्किंग बनाई गई है। फास्टैग होता क्या है? अब इससे एक इशू और निकल के आया था, इशू क्या आया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपलसरी कर दिया पास को, फास्टैग को होना चाहिए, अगर किसी गाड़ी पे नहीं है तो उससे डबल टैक्स लेंगे, डबल या चीज़ें लेंगे। तो आप एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो किस चीज़ को, राइट टू फ्रीडम को, जो आपकी फ्रीडम प्रोवाइड करती है, राइट टू मूवमेंट आपकी फ्रीडम है, राइट टू मूवमेंट आपकी फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार में आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर आता है कि आप अब्रॉड जाने की भी आपके पास मतलब फ्रीडम है मूवमेंट की, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी ला के। तो यही बात इन्होंने बोली है, लिटिगेट मतलब PIL भी फाइल हुई थी, तो गवर्नमेंट ने अपने चीज़ें बताई कि ऐसी चीज़ नहीं है, हम चीज़ों को टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। फास्टैग होता क्या है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इजी हो जाए, ऑटोमेटिक वे में आपका टैक्स कट जाए और आप बिना रुके आगे निकल जाए। किस टेक्नोलॉजी पर बेस करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब UPSC का ट्रेंड देखो वो टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे, कौन सी टेक्नोलॉजी किस चीज़ में यूज़ हो रही है। तो इस पर होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बहुत दूर से कैच हो जाता है ना, पास से नहीं होता, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या कि रेडियो वेव्स होती हैं जो रीड करी जाती हैं, कैप्चर करी जाती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो टैग अटैच होता है आपकी गाड़ी से उस पर, द टैग कैन बी रीड बाय, आप मतलब ये बहुत दूर फील्ड से रीड कर लेता है, डायरेक्टली ये रीड कर पाता है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है कि एक सीमलेस बनाना है, मतलब ट्रैफिक मूवमेंट को आसानी से चल पाए, इसके लिए सेक्शन 136A मोटर व्हीकल एक्ट है जो 2019 में आया, पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। अब इससे बहुत सारी चीज़ भी, क्राइम भी रोक सकते हैं फास्टैग से। आप आपकी गाड़ी अभी अभी इस टोल से निकली है, ठीक है, एक तो रजिस्टर्ड हो गया, अगर आपकी गाड़ी पीछे होगी क्राइम करके आई है, ठीक है, क्राइम करके आई, उसका नंबर नोट हो गया, नंबर नोट किसी ने कर लिया, अब आपको चेक करना है वो गाड़ी कहाँ पहुँची होगी, किसी ने किसी टोल को तो इसने क्रॉस किया होगा, कहीं ना कहीं तो टोल दिया होगा पूरे भारत में, अगर उसने ऐसे गाड़ी लेके गया है, अगर ऐसे बाई चांस टोल से गुजरा है तो डायरेक्टली वो टैप हो जाएगी इस टोल से वो गाड़ी आगे गई है। अभी आपको रिसेंट केस बताता हूँ, सुशील कुमार जो एक बॉक्सर है, सॉरी रेसलर है, उनकी गाड़ी उत्तराखंड गई थी, वो कैसे पकड़े गए, उसी से ट्रैक हुए थे कि उत्तराखंड गए हैं, वो UP के हाईवे से निकलते हुए जो उत्तराखंड जाता है वहाँ उनकी टोल में देखी गई थी गाड़ी, तो टोल में गाड़ी देखी गई थी, उसी से वो ट्रैप हुए थे कि उत्तराखंड गए हैं उनकी गाड़ी। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसमें किया गया। तो ये क्या है कि इन द केस वेयर इज नॉट पॉसिबल टू फिल द मतलब फिट द व्हीकल द फास्टैग स्पॉटेड एनी रीज़न, अगर जहाँ पे नहीं लगा सकते कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मतलब कि अलग फास्ट लाइन रखते हैं, और कुछ आपके जानने का नहीं है। अब ये बात ये रखना कि ये किसके ऊपर दिया गया है फास्टैग, कौन देखता है, इसे देखता है आपका नेशनल हाईवे फी बोलते हैं, और ये रूल के अंदर आता है, 2008 में रूल लेके आए थे, उसके अंदर ये आपका टोल लगता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस चीज़ को देखती है, इस चीज़ को करती है। अब ये राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये तो मैंने आपको हिंट बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम है, आर्टिकल 19 आपको गारंटीड देता है, सॉरी मैंने आर्टिकल 21 बताया था ना, उसके अंदर भी है वो अब्रॉड वाला, उसी के अंदर है राइट टू लाइफ के अंदर, पर जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपके पास आता है कहीं जाने के लिए वो आर्टिकल 19 आपको प्रावधान देता है। तो ये सब आप पढ़ लेना, ये मैं रिपीट नहीं करने वाला, ये मैं रिपीट नहीं करने वाला। देखो ये आ गया राइट टू लाइफ के अंदर भी आ गया, राइट टू लाइफ पर्सनल लाइबिलिटी इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आता है, ये मैं रिपीट नहीं करने वाला, ये आप पढ़ लेना। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, डेली बेसिस पे मैं मॉर्निंग में ही डाल देता हूँ। अब राजस्थान डेवलप करेगा, 3 टाइगर रिजर्व हैं उसके, देखो ये एक टाइगर रिजर्व ये है, एक टाइगर रिजर्व यहाँ आता है, एक टाइगर रिजर्व यहाँ आता है, तो इनके बीच में कॉरिडोर बनाएगा कि ईजी मूवमेंट रहे, जो एनिमल्स हैं जो टाइगर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाए, कोई उनका क्लैश ना हो पब्लिक से। तो इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत बार देखा गया। तो कौन कौन से, एक तो आपको पता ही है कि कौन कौन से आपको नाम याद रखना है, एक तो रामगढ़ विदेशी सेंचुरी है उसको लिंक करना है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से, ठीक है ना, और कौन सा है आपका मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है साउथ साइड में। तो ये 3 जो नाम है इनको याद रखना है, और बोला कि अच्छा स्टेप है यार, ये कुछ कोर जोन है कुछ बफर जोन है, उसके कोर जोन आपको पता है जहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बफर जोन उसके बाहर होता है, उसके बीच में एक जोन और होता है, ये भी बाद में बताऊँगा, 3 जोन टाइप से होते हैं। तो ये हो गया, फिर एक ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है सर, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है।
फिर अभी एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है रिपोर्ट का जेंडर पैरिटी इंडेक्स, एक तरह से स्कूल के ऊपर आया है। किसने निकाली है? वो निकाले UDIS प्लस ने, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस, इसने रिपोर्ट निकाली। इसने क्या बोला है, जो हायर क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th और 12th में, कहीं ना कहीं वुमेन बहुत कम है। राजस्थान जो ऐसा स्टेट है जहाँ पे वुमेन का जो इनरोलमेंट है स्कूल और जो हायर क्लासेस में 11th 12th में, वो बहुत कम है इन कम्पेयर टू मेल के अकॉर्डिंग या बॉयज़ के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है, उससे एक चीज़ दिख जाती है, जो अब वहाँ के लोग हैं वो 10th क्लास तक ही अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। तो क्या मतलब है, क्या वो शादी उनकी जल्दी करने के लिए बाहर निकाल लेते हैं, या उन्हें कहीं काम में लगा देते हैं, या उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है, या फिर कोई अदर रीज़न हो, जैसे सोसाइटी के रीज़न होते हैं बच्चों को इतना ही पढ़ाना चाहिए, बस क्या करेंगी, चूल्हा चौका ही करेंगी। तो ये कुछ चीज़ें उसमें देखी गई, ये रीज़न आगे के हो सकते हैं, इन चीज़ों से आगे की चीज़ डिसाइड की जाती है। तो आप देखो कि राजस्थान की जो स्कूल्स हैं उनकी जो रैंक है लास्ट है इन द टर्म ऑफ जेंडर प्रायोरिटी इन द सीनियर क्लासेस। तो ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, मेंस में लिखने के लिए काम आएगी और प्री में भी आपसे पूछ सकता है, और राजस्थान बिल्कुल लास्ट है, ऐसे याद रखना। इससे एक चीज़ और लिंक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको कमेंट में बताना है ये स्कीम कहाँ से लॉन्च हुई थी, ये स्कीम कहाँ से लॉन्च हुई थी। तो ऑब्वियसली दिमाग राजस्थान आएगा, पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है इसको क्या। तो 3-4 जगह से प्रधानमंत्री ने, पर ये प्रधानमंत्री ने खुद जो लॉन्च की थी ये एक ही डिस्ट्रिक्ट से की थी, राजस्थान की वो डिस्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वुमेंस को मतलब थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पढ़ाई में डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है, थोड़ा इन सब चीज़ों में दिया जाता है। दूसरी जो ट्रेंड देखो, ट्रेंड ये GST बढ़ा, इतना बढ़ा, घट गया, इतना घट गया, स्पीड में जाऊंगा थोड़ा सा क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो फिर। तो GST है, GST हम लेके आए थे, बहुत सिमलेस हो चुके हैं कि सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को एक करने के लिए हम ये GST लेके आए थे। और इसमें चीज़ें क्या है, सप्लाई साइड GST इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड सर्विसेज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पहले क्या होता था कि जैसे हरियाणा में कोई चीज़ बनी तो यहाँ पे उस पर टैक्स लगता था, अब क्या हुआ हरियाणा से यूपी में चली गई और यूपी में वो चीज़ बिकी, जहाँ पे वो बिकेगी, जहाँ पे सप्लाई साइड होगा वहाँ पे टैक्स लगेगा। अब तो फ़ायदा किसका, हरियाणा बोलता है मैं तो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब जाके यूपी में बिक रही है, टैक्स यूपी में लोग ले कलेक्ट कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट जाता सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद डिवीज़न होता है उसका, पर एक बात तो उठती है ना, जाके यूपी में हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ है इसमें। फिर डेस्टिनेशन बेस है, वही डेस्टिनेशन का जहाँ पे जाएगा उसे वहीं पे टैक्स लगेगा। फिर जो ड्यूअल टैक्सेस लगते हैं इस पे, ड्यूअल टैक्सेस कैसे, तो सेंट्रल GST लगता है और स्टेट GST लगता है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है किसको, गवर्नमेंट को, जो जहाँ पे बिकता है। फिर इसमें एक टैक्स और है, पर वो है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स लगता है, IGST, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो सामान इधर से उधर भेजते हो आप, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट से कोई सामान भेजा कि मेरा यहाँ से मुझे मुंबई भेजना है, तो उस पर वो टैक्स लेते हैं, वो IGST के रूप में लिया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये 3 तरह के टैक्स होते हैं, इसके कुछ स्लैब है 5%, 12%, 16% और 28% के, ये आपको याद रखने हैं। फिर कुछ लेजिस्लेशन कैसे बनाया गया, इसकी जो मांग उठी थी 2014 में मांग उठी थी, उस टाइम पे 122 अमेंडमेंट बिल लेके आए, पर किस वजह से वो ऊपर नीचे चलता रहा, फिर 2016 में इसे पास करते हैं और संविधान में कोई चीज़ ऐड करते हैं इसके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2016 में और GST लेके आए। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसकी चीज़ के लिए, GST के लिए, और अभी तक 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं। तो आपको बताना है 102 किस चीज़ के लिए था, 103 किस चीज़ के लिए था, 104 मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से टैक्सेस के अंदर कवर अंदर आ गए, सर्विस टैक्स लगता था, फिर स्टेट वेट लगाती थी, लग्जरी टैक्स लगता था, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये सब GST के अंदर आ गए। अब इंटीग्रेटेड GST कवरिंग द इंटर स्टेट ट्रेड के लिए IGST बनाया गया, ठीक है ना। एज पर द इट इज़ नॉट ए टैक्स बट ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग स्टेट एंड द यूनियन, एक सिस्टम है, टैक्स नहीं है IGST, पर एक सिस्टम है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इसको देखते देखते क्या ऐड किया गया, आर्टिकल 246A, स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वाला आर्टिकल था, इसको ख़त्म किया गया क्योंकि स्टेट के पास पावर दी गई थी वेट लगा पाए, पर उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल, अभी भी है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें GST से बाहर रखी गई है ना, उन पे अभी भी स्टेट लगा सकता है। पर इसके लिए एक न्यू आर्टिकल लेके आया 279A, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, 279A जो GST एक्ट लेके आया, उसमें क्या बताया गया, GST काउंसिल होती है एक, इसके अंदर जो टैक्स को देखती है किस पे घटाना है, किस पे बढ़ाना है, किसको करना है, तो उसे प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं, उसके चेयरमैन ऑब्वियसली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है वो हैं, ये नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कुछ मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, ये सारी बातें करते हैं। अब इसमें वोटिंग राइट होता है, जैसे मैं बोलूँ ये पार्ले जी का बिस्कुट है, इसको 5% टैक्स से अब
कि कौन से स्लैब में ले आओ, चार स्लैब जो होते हैं इसके, कि इसे 12% वाले में ले आओ, 5% स्लैब होता है, इसे 12% वाले स्लैब में ले आओ, ठीक है। उसके लिए वो काउंसिल बैठ के बात करेगी, उनकी वोटिंग होती है काउंसिल की किस फेवर में करने का। जिसने 3/4 वोटिंग कर दी, टोटल 3/4 वोटिंग इसके फेवर में आ गई कि 12% के स्लैब में ले आओ, तो इसे 12% में पाली जी बिस्किट को लेके आ जाएंगे। अब उसमें वोटिंग राइट कैसे कैसे दिए गए आप खुद देखो, सेंटर के पास 1/3 वोटिंग राइट है, यानी कि आप देख सकते हो 100% में से 33% वोटिंग राइट किसके पास है, 33 पॉइंट कुछ आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और 2/3 यानी कि बचे 33 के, मतलब 66 बचे, 66 बचे वो सेंट्रल, जो स्टेट की गवर्नमेंट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की, स्टेट के पास है, तो ये सेंटर के पास हो गए। अब मेजोरिटी लाने के लिए वोटिंग में मेजोरिटी देखें 3/4 चाहिए, 3/4 का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी कि 75% वोटिंग होनी चाहिए अगर कोई चेंज करना है टैक्स में। तो आप देख लो सारी स्टेट भी अगर मिल जाए ना, बिना सेंट्रल के नहीं कर सकती, सारी स्टेट भी मिल जाए तो एक तरह से क्या देखा गया है, कहीं ना कहीं अगर हाँ सेंट्रल साथ है, कुछ स्टेट साथ आ जाए तो कर सकती हैं, पर सारी स्टेट मिल जाए तो नहीं कर सकती। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम आई, फेडरल स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं वॉयलेशन किया जा रहा है, स्टेट की पावर छीन ली गई है एक तरीके से। ये सारी इसके अंदर कुछ बर्डन चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं, मैं आगे से इसे हटा देता हूँ, सॉरी अब हटेगा नहीं है, आगे चलते हैं। तो कुछ रिफॉर्म करने की बात की गई थी, इसमें रिफॉर्म लेके आएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे या ये सब करेंगे, अब पता नहीं वो किया है कि नहीं किया। कोई चीज़ करनी थी कि जो आपका रिडक्शन या टैक्स बर्डन में रिडक्शन करना था, उसके बाद आपका क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मार्केट बनाने के लिए लेके आ रहे, सबका एक मार्केट हो, जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है उसको कम करने। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपको कोई गाड़ी बनानी है, उसके लिए स्टील चाहिए, पहिए चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो स्टील खरीद उस पर टैक्स दिया, फिर आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीद उस पर टैक्स दिया, फिर ये जाके फिर एक गाड़ी एक कार तैयार हुई, फिर उस पर भी टैक्स लगा, तो यहाँ भी टैक्स दे दिया, यहाँ भी दे दिया, तो ये क्या हो गया भाई, टैक्स पर टैक्स लगते जा रहा है, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, भी टैक्स दिया, इस पे भी टैक्स देंगे, तो टैक्स ऑन टैक्स महंगी हो जाएगी। तो कास्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए अब क्या आता है, इस पे टैक्स मत लो, अगर आपने दिया भी है तो टैक्स रिबेट मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी, वापस दे दिया जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा इसी पे टैक्स लगेगा। इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट को कम किया गया, रिडक्शन किया गया बर्डन पे, कि इतने सारे टैक्स थे अलग अलग तरीके से निकालने पड़ते थे, थोड़ा सिंपलफाई बनाया, कॉम्पिटिटिव बनाया चीज़ों को। अब स्टेट सोचेंगे हमें भी डेवलप करना चाहिए, सब चीज़ करना चाहिए, ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, इतने सारे टैक्स होते थे तो अब एक टैक्स हो गया, तो जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, स्लैब बढ़ा, हर स्टेट वेट अपने हिसाब से लगाती थी, मैं 5%, यूपी वाले 10% वेट देंगे और बिहार वाले 11% उनकी स्टेट, तो अलग अलग स्टेट का क्या ड्रामा चल रहा था। अभी से 5 ही स्लैब है, 5, 12, 18 और जो भी स्लैब बताए मैंने ऊपर 4 ही स्लैब है, उनके अंदर रखना। एडवांटेज क्या है गवर्नमेंट की, यूनिफाइड एक तरह से मार्केट मिलेगा, स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन होगा, इनकम जो इंक्रीज हो जाएगा टैक्स का चीज़ों में, डिस्करेज करेगा टैक्स इवेजन को, मतलब चोरी नहीं कर पाएंगे लोग। अब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो लूप होल कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा ना, अब एक ही चीज़ होगी तो निकालो लूप होल कितने हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं चीज़ों में देखी जाएंगी, करप्शन रिडक्शन होगा, सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव होगा, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए सिंपल हो जाएगा, टैक्स हमें भी एक टैक्स ही लगता था पहले, हम वैट अलग काउंट करते थे, सर्विस टैक्स अलग निकालते थे, फिर जाके उसे भरते थे रिटर्न फाइल में, अब हमें सिर्फ क्या भरना है, GST ही भरना है। तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें रिडक्शन चीज़ों में मिलेगा, रिडक्शन म्यूनिसिपैलिटी टैक्स में भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है जो म्यूनिसिपैलिटी लगाती थी, उन सब चीज़ों का दिखेगा, एलिमिनेट हो जाएगा डबल टैक्सेशन, सेंट्रल अलग अलग लगा रहा है, स्टेट अलग लगा रहा है, इन सब चीज़ों का न्यूट्रलाइज हो जाएगा टैक्स का, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। कंज्यूमर को भी हेल्प मिलेगी ट्रांसपेरेंसी में, प्राइस रिडक्शन में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में, स्टेट को भी हेल्प मिलेगी, एक्सपेंशन टैक्स बेसिस कर पाएगी, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। देखो मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, मैं ऐड इसलिए करता हूँ, एटलीस्ट आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आप ये दो घंटे भी आपने इस चीज़ को पढ़ लिया, ये मैं डालता हूँ, फिर आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टैटिक बेसिक प्लस करंट के साथ मैंने मिक्स किया है, तो इसको आपको फिर कोई हिंदू या एक्सप्रेस रेस्प्रेस कुछ पढ़ने की ज़रूरत इसके बाद नहीं है, इसलिए मैं इसमें ऐड चीज़ें कर देता हूँ, सिंपलफाइड चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी समझ में वो चीज़ आ गई है, फिर आपको पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा। अब बिहार बना रहा है लेजिस्लेटिव कॉन्सेप्ट, अभी कैसे बनती है, अभी आंध्र प्रदेश ने क्या किया, एक अप्रूव किया है, सेटुरेटेड रिसोल्यूशन लेके आया कि उन्हें अबॉलिश करनी है, तो स्टेट की जो असेंबली होती है वो लेके आती है और वो रिकमेंडेशन भेजती है पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट रेक्टिफाई करके उसे डिसॉल्व कर देती है, तो लेके आए। तो इसमें आंध्र प्रदेश की मैंने ऐड कर दी है कि आंध्र प्रदेश में 1958 में बनी थी, फिर 1985 में ख़त्म कर दी गई थी, फिर दोबारा 2007 में दोबारा बनाया गया था, फिर दोबारा ख़त्म करने की बात चल रही है, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को देखा गया। तो कितनी स्टेट के अभी फ़िलहाल इंडिया में है, एक तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, उसके बाद बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, और आपका यूपी में है,
आप याद रख सकते हो यूपी के साइड में बिहार, ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साइड में बिल्कुल तेलंगाना टच करता है, और तेलंगाना जिस साइड में आपका आंध्र प्रदेश टच करता है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक टच कर पड़ता है। तो ये सारी हैं साउथ की स्टेट में, लगभग सब में ही है एक्सेप्ट केरला और तमिलनाडु छोड़ के, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर किस किस की हैं, यूपी और बिहार की, जम्मू कश्मीर में तो ख़त्म कर ही दी गई है, ब्यूरिफिकेशन कर दिया गया 2019 में ही, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो यही होता है, जैसे आपकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा होती है, तो स्टेट में विधानसभा, विधानसभा बोलते हैं और विधान परिषद बोल देते हैं काउंसिल को। नीड क्यों होती है, वही ऊपर बताया, कोई मेंबर सिलेक्टेड नहीं हुआ है, पार्टी का चहेता है ये सब चीज़ें करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, तो बेचारे जीत नहीं पाए तो इनडायरेक्टली इसमें चुन के भेज दो। कई बार आर्ग्यूमेंट भी अगेंस्ट रहे हैं कि गवर्नमेंट गलत करती है, गवर्नमेंट गलत ही तो है, जब उसे पब्लिक ने ही स्वीकार नहीं करा, पब्लिक ने ही उसे हरा दिया, फिर आप क्या यूज़ करते हो, इस सब चीज़ का यूज़ करके उसे गलत तरीके से अंदर भेज देते हो, मिनिस्टर बना देते हो, तो ये सब चीज़ में प्रॉब्लम देखी गई है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान क्या क्या है, कैसे उस चीज़ को बनाया जाता है, वो आता है आर्टिकल 169 के अंदर। पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएटेड और अबॉलिश द सेकेंड चैम्बर इन द स्टेट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पास ए रिसोल्यूशन बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये पार्लियामेंट के पास है बनाना और घटाना, कब करेगी, जब स्टेट की असेंबली कोई रिसोल्यूशन पास करके भेजेगी और स्पेशल मेजॉरिटी से भेजेगी, तब पार्लियामेंट उसको देखेगी। आर्टिकल 171 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, 1/3 मेंबर ऑफ द, मतलब जैसे आपके एमएलए कितने हैं हमें यूपी में, एमएलए 300 एमएलए हैं यूपी के अंदर, अब उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, एमएलसी बनाने हैं, कितने मेंबर होंगे इसके अंदर, कितने टोटल मेंबर हैं, यानी कि इसका 1/3 यानी कि 100, तो 1/3 जो होंगे उसके हिसाब से होंगे, जो इधर की होगी उसके हिसाब से इसमें मेंबर होंगे। अब इसमें आदमी चुने कैसे जाते हैं, और एक चीज़ और है, 1/3 तो होंगे, किसी स्टेट में 1/3 मतलब 100 ही हैं, 100 ही एमएलए हैं, यानी कि एमएलए बनते हैं, अब उसमें 1/3 कैसे करेंगे, यानी कि 33 हो जाएंगे आसपास। तो एक चीज़ और बोलती है 40 से कम नहीं होने चाहिए, तो 33 नहीं होंगे बिल्कुल, मिनिमम 40 आप एमएलसी रख सकते हो। अभी बनते कैसे हैं, 1/3 जो चुनते हैं वो असेंबली ही चुनती है काउंसिल के लिए, 1/3 जो इलेक्टोरेट होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, लोकल अथॉरिटी होती है इन द स्टेट, वो चुनती है 1/3। चलो 1/3 हो गए, 1/12 कहाँ से आते हैं, जो टीचर्स होते हैं ना, जो मतलब एक ग्रेजुएटेड मतलब गैजेटेड टीचर होते हैं वो चुनते हैं, 1/3 और कहाँ से आते हैं, जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे पास भी एक वोट डालने का अधिकार है, अगर देखना कौन कौन होते हैं, तो बस याद रखो आप ये होते हैं। बाकी बचे हुए कहाँ से आते हैं, बाकी बचे हुए नॉमिनेटेड करते हैं गवर्नर साहब, किस किस बेसिस पे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट से, सोशल सर्विस से रिलेटेड, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर प्रावधान दिया गया है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, सेकंड पार्ट में बनाता हूँ, बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको यहीं प्रावधान देता हूँ। अगर यहीं तक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करें। देखो आप बोलोगे वीडियो लंबी है, बहुत लंबा हो गया सेशन, ये हो गया, देखो आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई अलग चीज़ प्रिपरेशन नहीं कर रहे, 7 लाख बच्चे बैठते हैं, 700 सेलेक्टेड होते हैं, तो आपको स्पीड में करके देख लिया करो 1.2.5, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में आपको हिंदू तो मैंने 5 मिनट पढ़ा दिया आपको, एक जिस्ट बताया ऊपर और पढ़ा दिया, हिंदू खत्म हो गया, बता भी तो ये पढ़ लेना, पर मेरी कोशिश रहती है जो उसमें आया है, जो उसमें चीज़ें एक्सट्रैक्ट हुई हैं वो आपको बताओ। तो आपको अगर ये चीज़ के बाद आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, और आपका स्टेटिक प्लस हिंदू तैयार हो रहा है, एक तरीका भी है कैसे आपको हिंदू पढ़ना चाहिए। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।